आपने मोतीचूर के लड्डू भी खाए होंगे, सूजी के भी लड्डू खाए होंगे और बेसन और नारियल के भी लड्डू बहुत खाए होंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो खाने के साथ टेस्टी तो है ही और हेल्दी भी है। आज हम बनाएंगे गेहूँ के दलिये से हम बनाएंगे हम लड्डू। इसमें ना मैं कोई चाशनी डालूंगी, ना दूध डालूंगी, ना खोआ डालूंगी, फिर भी ये लड्डू इतने टेस्टी बनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने होममेड रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं लड्डू। उसके लिए यहाँ देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैं 2 कटोरी दलिया डाल लूँगी। देखिए जो हमें आंगनबाड़ी से बच्चों को दलिया मिलता है ये वो वाला दलिया है। अगर आपके बच्चे भी दलिया खाना ऐसे पसंद नहीं करते तो आप भी इस तरह बच्चों को लड्डू बनाकर खिलाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और वो इस बहाने इसको खा भी लेंगे। ये बच्चों को ही नहीं बड़ों को घर में सभी को ही ये बहुत पसंद आएंगे। और यह दलिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है, इसलिए इसको आप ऐसे ही ख़राब ना करें, आप इस तरह इसके लड्डू बनाएं और सभी को खिलाएं। अब मैंने इस 1 कटोरी चीनी ली है, ये वही कटोरी है जिसने मैंने 2 कटोरी दलिया लिया था उसके ही मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। कुछ बादाम और काजू ले लिए हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई रख लेंगे और इसमें 1 बड़ी चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब इसमें हमने जो दलिया लिया था वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसमें मैंने दलिया डाल दिया है। अब हम चम्मच से हिलाएंगे और थोड़ी देर इसको हम घी में भूनेंगे। इसको करीबन 3 मिनट 2-3 मिनट लगते हैं भूनने में। 2-3 मिनट में ये अच्छी तरह भून जाता है। अब ये देखिए दलिया को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गई है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम उसी कटोरी से नाप लेंगे, 4 कटोरी इसमें मैंने पानी डाला है। अब इसको हम अच्छे से हिला देंगे। देखिए इसको अच्छे से हिलाना है ताकि इसमें कोई गांठें ना बने। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, चीनी भी उसी कटोरी के नाप से हम 1 कटोरी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। चीनी को इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसको 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारे दलिया अच्छे से पक जाए। अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया है। अभी इसको ऐसे ही थोड़ा सा लगे पानी में घोल के इसमें डाल देना, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इस कलर को हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये इसका कलर। अब इस दलिये को हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। देखिए मैं 1.5 चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी और इलायची पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब ये देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे न लगे। अब ये देखिए गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम थोड़े से काजू काट कर डाल देंगे और थोड़े से इसमें हम बादाम डाल देंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे काजू बादाम को। और ये देखिए ये अब बनकर रेडी है। अब इसको हम इसकी गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए मैंने एक थाली ले ली है, अब इसको हम थाली में निकाल लेंगे। अब इसको हम थाली में फैला देंगे और थोड़ी देर इसको हम ठंडा होने देंगे। अब इसमें ऊपर से हम 2 चम्मच घी और डाल देंगे और उसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये ठंडा हो गया है, ये हल्का हल्का सा गर्म है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे।
आप चाहो तो इसके लड्डू भी बना सकते हो, या इसको हलवे की तरह भी खा सकते हो, या और कोई भी इसको आप शेप दे सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए मैं इस तरह इसके सारे लड्डू बना लूँगी। ये देखिए कितने गोल गोल और कितने अच्छे लड्डू बने हैं। अच्छे के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी भी है। अगर आपके पास भी ऐसे दलिया रखा हो और दलिया खाना कोई पसंद नहीं करता हो तो आप भी ऐसे लड्डू को बनाइए। आपके बनाते बनाते ही ये सारे लड्डू ख़त्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये लड्डू ख़त्म हो गए। तो अगर आपके पास भी ऐसे दलिया रखा है तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जो नए व्यूअर्स इस चैनल से जुड़े हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।